हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। तो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। हर स्टूडेंट को इस चर्चा का विषय जानना चाहिए और इस चर्चा का हिस्सा बनना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। काफी इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। किस चीज के लिए सिलेक्टिव, क्या बोल रहा हूँ, क्या कहने का मतलब है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हर जगह से स्टूडेंट्स एग्जाम्स में बैठते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते रहते हैं। साल में हजारों ही पेपर होते हैं और लाखों स्टूडेंट्स, करोड़ों स्टूडेंट्स बैठते हैं, लेकिन कुछ एक सिलेक्शन ले पाते हैं। आप यूपीएससी के टॉपर्स की इन्फॉर्मेशन जो है वीडियोज देखते रहते हो यूट्यूब पे, और सारे टीचर्स की और सारे इंस्टीट्यूट की वीडियोज देखते रहते हो। YouTube पे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल्स पर, वेबसाइट्स पर, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या मिल जाता है। आप दिल्ली में चले जाओ या किसी और बड़े शहर में चले जाओ, आपको स्टडी मटेरियल के नाम पे हजारों लाखों बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन सही क्या है, और जो बच्चा नया नया तैयारी में है उसको पता कैसे चलेगा कि सही चीजें क्या है, क्या पढ़ के मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ? तो तभी ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। आपने कहीं से देखो बच्चे, ए टू जेड सारी चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं से आपको कोचिंग आपने ली होगी या लेनी होगी, या आप लेने के बारे में सोच रहे होंगे। आप कोचिंग लेंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उन्होंने आपको करवा दी चीजें। अब आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है तैयारी में। आपने देखा होगा जो लोग, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर जो और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो साइंस किसी और इंस्टीट्यूट से कवर करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट किसी और इंस्टीट्यूट से कवर करते हैं, हिस्ट्री वो किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ जहां मैं पढ़ रहा हूँ वहां पे सही नहीं पढ़ाया जा रहा, तो वो दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी ये कर सकते हैं। आप किसी टीचर की वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, आपको पसंद नहीं आई, आप चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे टीचर्स की देख सकते हैं। लेकिन गलती मत कीजिए। क्या होता है, आप लोग एक लेक्चर कहीं से देख लेते हैं, दूसरा लेक्चर कहीं से देख लेते हैं, तीसरा लेक्चर कहीं से देख लिया, या फिर 2 4 दिन देखा फिर छोड़ दिया, फिर कोई और सीरीज पकड़ ली। तो ऐसे नहीं होता बच्चों। सिलेक्शन लेने के लिए आपको कंटिन्यूटी अपनानी पड़ेगी, कंटिन्यूटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आपका स्टडी मटेरियल एक्यूरेट होना चाहिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका स्टडी मटेरियल एसएससी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि आप लोग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का स्टडी मटेरियल लेके बैठ जाएंगे। अगर आपका उत्तर प्रदेश में पेपर है ना, उत्तर प्रदेश का, तो आपके पास उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ना कि राजस्थान के अकॉर्डिंग। राजस्थान में कुछ और पूछा जाता है, वहां पे लेवल कुछ और रहता है एग्जाम्स का, उत्तर प्रदेश में कुछ और रहता है। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल उस एग्जाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपके पास। और सिलेक्टिव का और दूसरा अर्थ क्या है, यूट्यूब पे हजारों वीडियोज आ रही है, करंट अफेयर की पता नहीं कितनी वीडियोज आ रही है। करंट अफेयर में इतनी चीजें हैं बच्चों, करंट अफेयर के अंदर आप लोग सुबह से लेकर शाम तक न्यूज़पेपर, 50 तरह के तो न्यूज़पेपर आ रहे हैं, सारे न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाओ, हर एक न्यूज़पेपर में आपको पांच सात चीजें दूसरे से डिफरेंट मिलेंगी। तो अभी सभी में क्वेश्चन तो बन सकता है, लेकिन आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, करंट अफेयर भी एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, ना कि हाँ ठीक है किसी ने कोई क्लास डाल दी कि ये क्लास है, हाँ भी देख लो ये। ऐसा नहीं होता, ऐसे बात भी नहीं बनती। वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो इन बातों को, जो सिलेक्टिव होते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वही बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं। स्टडी मास्टर इसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए, हर एक एग्जाम के लिए, आप एग्जाम का नाम बता दीजिए, हम आपको उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। टेस्ट सीरीज एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन बैंक एग्जाम के अकॉर्डिंग, शॉर्ट नोट्स, नोट्स, बुक्स, रिविजन बुक्स, आपको सारी चीज आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपका कोई भी एग्जाम है, आप लोग हमें इस नंबर पर 9896160956 इस नंबर पर मैसेज करके जो है पता कर सकते हैं आप सभी चीजों के बारे में। आप अपने एग्जाम के बारे में लिख के भेज दीजिए, हम आपको सारी डिटेल्स, उसके रिप्लाई में सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कितनी पेमेंट करनी है, कितनी फीस है, सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। पेड लेक्चर्स हैं, पेड लेक्चर आप लोग ले सकते हैं, फ्री वीडियोज हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, ये नहीं है कि एक वीडियो कहीं से देख ली, दूसरी वीडियो कहीं से देख ली, तीसरे दिन देखी नहीं, फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल है बच्चों, फिर तो बहुत दूर है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी लगना चाहते हो तो सिलेक्टिव होना पड़ेगा। सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये है कि कम पढ़ लो,
लेकिन उसको बार बार पढ़ो, उसको रिवाइज करो। सिलेक्टिव का मतलब ये होता है, साइंस वीक है साइंस की बुक ले लो, हमारे पास साइंस की बुक अवेलेबल है। इकोनॉमी वीक है इकोनॉमी के नोट्स ले लो, इकोनॉमी अवेलेबल है। आपको लगता है कि हमारा मैथ वीक है, मैथ की बुक ले लो, वो आपके लिए। जिस चीज की कमी महसूस हो रही है, इसमें मेरी वीक लग रहा है, मुझे सब्जेक्ट मिला ही, उस सब्जेक्ट की तैयारी करो। ना कि आपने पहले कहीं से एक जगह कोचिंग ली, दोबारा फिर क्या हुआ दूसरी जगह सारी कोचिंग लेने बैठ गए, टाइम वेस्ट होगा आपका। एक जगह से आपने स्टडी मटेरियल लिया, वहां पे देख लिया आपने कि हिस्ट्री मेरी ठीक नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो गए, और दूसरी जगह से सारा स्टडी मटेरियल ले रहे हो, उसका फायदा नहीं है। हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री पढ़ो दूसरी जगह से। तो अगर सक्सेस होना है तो ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप वो भी हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। धन्यवाद।